अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप हर रोज स्टडी टिप्स, करियर एडवाइस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस देख सकें मेरे यानी कि अश्वनी ठाकुर के साथ। और आज हम बात करेंगे कि अगर कल आपका इंटरव्यू है तो आप आज क्या करें। हो सकता है कि आप ये एडवांस में वीडियो देख रहे हैं और हो सकता है कि सच में आपका कल इंटरव्यू है। जो भी केस है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये रहे आपके लिए क्विक टिप्स अगर आपका कल इंटरव्यू है तो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने आप को शांत करिए। ये मेरा पहला टिप है, क्योंकि जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, हम काम नहीं होते हैं, तो हम अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, आपके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाता है और आप काम फील करते हैं। अगर आप प्रेशर में हैं तो आप डीप ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली नहीं करते और उस वजह से आप और अच्छा फील नहीं करते। आप देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अगर वो अच्छा फील ना करे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स में जब भी कोई खेल खेलते हैं तो दूसरी टीम जो होती है वो स्पोर्ट्समैन को कभी कभी उत्साहती है, उसको कुछ गलत बोलती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसका मूड थोड़ा खराब हो गया तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मूड का हमारे परफॉर्मेंस से बहुत रिलेशन होता है। इसीलिए काम फील करिए, अपने आप को जो है अपने आप को शांत करिए। सेकेंड टिप है खाना, बैलेंस डाइट खाइए। कुछ ज्यादा मत खाइए, कुछ कम मत खाइए, क्योंकि अगर पेट में गड़बड़ होगी तो दिमाग में गड़बड़ होगी। एग्जाम्पल इसका आप ये समझ सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर छोटे बच्चे हम कभी देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो खाना ठीक से ना खाए, उसका पेट में गड़बड़ हो जाए, तो वो उनका मूड खराब हो जाता है। वो ठीक से बात नहीं करते किसी से और वो लोग बोलते हैं देखो इसका मूड खराब है, इसका पेट खराब है, इसलिए ना ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अगर पेट खराब है तो बच्चे का मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो भी तो होता है, लेकिन तब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं यार ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, रोज यही चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले कुछ भी ऐसा ना खाएं जो आपका पेट खराब कर दे, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। थर्ड थिंग इज एक चेकलिस्ट बनाइए, यानी कि लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का इंतजाम करना है इंटरव्यू से पहले। एकदम पहले अगर आप कहें ओ मेरी ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या फिर मेरे जूते पॉलिश नहीं है, मेरे कपड़े तैयार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले आप ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए और एक चेकलिस्ट बना लीजिए, उसमें टिक मार्क कर दीजिए क्या क्या चीजें अरेंज हो गई हैं, और जाने से पहले फिर से उसे चेक कीजिए कि आप कोई चीज भूल ना जाए। और लास्ट टिप आपके लिए है कि जहां पर इंटरव्यू है उस लोकेशन को पहले से ही जान ले कि कहां पे है। अगर हो सके तो वहां जाके हो आइए, नहीं हो सके तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो लोकेशन कहां पे है, जिससे कि कल जब आप जाएं तो आप लेट ना हो या फिर आप उसे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हर वीडियो का मकसद होता है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और कामयाब बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, और मेरे इंग्लिश चैनल और बिजनेस चैनल को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक यहां और डिस्क्रिप्शन में है।